सो है गाइज, वेलकम टू QRX गेमर यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट पॉपुलर गेम बस सिमुलेटर 2023 गेम को चेक करने वाले हैं कि ये ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है, आप इसको इंटरनेट के बगैर प्ले कर सकते हो या फिर आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल दी जाएगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये गाइज़ एक बस सिमुलेटर वाली गेम है जिसमें आपने बस को ड्राइव करना होता है, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी होती है। ये एक बस वाली गेम है जिसको आप ट्राई कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, और इसमें आपको HD ग्राफिक भी मिलेंगे। और गाइज ये अभी 2023 में ही रिलीज़ हुई है, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि ये एक बेस्ट गेम है जिसको आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले कर सकते हो। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम इसको इंटरनेट के बगैर प्ले कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, या फिर ये भी इंटरनेट के साथ ही प्ले होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास ये गेम है बस सिमुलेटर 2023। इसको हम पहले ओपन करने से पहले अपना इंटरनेट जो है उसको करते हैं ऑफ़। अभी हमारा इंटरनेट ऑन है, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं और देखते हैं कि ये ऑफलाइन में प्ले होती है या नहीं। अपनी गेम को करते हैं ओपन। और गाइज़ अगर आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और गेम को हमने स्टार्ट कर दिया है, और ये देखें OBLX का सॉफ्टवेयर हमारे पास आ चुका है, इसका लोगो आ चुका है। तो देखें गाइज, ये एक बस सिमुलेटर वाली गेम है जो कि बेस्ट है। यहाँ पर आपके पास आ चुका है कंपनी नेम, प्लेयर नेम, तो आपने यहाँ पर प्लेयर का जो नेम है वो आपने टाइप करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अपने चैनल का ही नेम टाइप करूँगा, QRX गेमर्स, और उसके बाद ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद नीचे आएगा कंपनी नेम, तो कंपनी नेम की जगह मैं QRX को टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद गाइज हम क्या करेंगे, टाइप करने के बाद हम यहाँ पर नीचे क्रिएट कंपनी इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इसमें कोई अवेटर वगैरह या लोगो कोई चूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी लोगो चेंज कर सकते हैं, अवेटर चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, यानी कि अवतार चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कौन सा करना चाहें। उसके बाद क्रिएट कंपनी पर क्लिक किया, चेक इंटरनेट कनेक्शन पर हमने क्लिक किया, लेकिन हमारे पास ये एक एरर आ चुका है वार्निंग का, तो हम चेक इंटरनेट कनेक्शन पर करते हैं क्लिक। तो जैसे गाइज हमने इस पर क्लिक किया तो ये स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हम इसका अपना जो है इंटरनेट उसको ऑन करते हैं एक दफ़ा, और दोबारा से चेक कनेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और जैसे गाइज हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास इसका ऑप्शन आ चुका है, इसमें आपको बहुत सारे मोड देखने को मिल जाएंगे, करियर मोड। अभी हम इंटरनेट को करते हैं फिलहाल ऑफ, करियर मोड, फ्री राइड मोड, मल्टीप्लेयर मोड, चैलेंज वाला मोड। और ये देखें गाइज दोबारा से इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है, हमने इंटरनेट को ऑफ कर दिया था, अभी दोबारा से इंटरनेट कनेक्शन को करते हैं ऑन और दोबारा से इसको चेक करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन पर चेक कनेक्शन पर क्लिक किया, और जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास व्हीकल सेलेक्ट का ऑप्शन आ चुका है, तो हम सेलेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक मैप को सिलेक्ट करते हैं, दोबारा से जो रूट है उसको सिलेक्ट करते हैं, और कंपनी का जो मैनेजर है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास कंट्रोल आ चुके हैं कि आपने कौन सा कंट्रोल चूज़ करना है, तो हम कंट्रोल को करते हैं चूज़। चूज़ करने के बाद हमने लोडिंग पर, हमारी लोडिंग जो वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम इंटरनेट को ऑफ़ नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद जब ये गेम ओपन हो जाएगी तभी हम इसको चेक करेंगे कि ये अब ऑफलाइन में प्ले हो रही है या फिर नहीं हो। और देखें गाइज फाइनली हमारी गेम ओपन हो चुकी है थोड़ी देर की लोडिंग के बाद, और देखें कितने HD ग्राफिक हैं। अभी हम क्या करते हैं, अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है इसको करते हैं ऑफ। ऑफ करने के बाद गाइज अभी हम इसको देखेंगे कि ये इंटरनेट के बगैर वर्क करेगी या फिर आगे जाकर ये भी एरर आ जाएगा। तो अभी तक गाइज देखें, हमने इंटरनेट कनेक्शन को तो ऑफ़ कर दिया था, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया है। थोड़ी देर हमने इसको गेम प्ले भी कर लिया, यानी कि थोड़ी देर, काफ़ी देर हो चुकी है इंटरनेट ऑफ किए हुए, और अभी तक कोई एरर नहीं आ चुका है। तो गाइज आप लोग जो है इस गेम को इंटरनेट के बगैर प्ले कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको प्ले करने के लिए इसे एक दफ़ा इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और जब ये प्ले हो जाएगी तब आप इसको इंटरनेट के बगैर प्ले कर सकते हो। और अगर आप इसको ऑनलाइन खेलना चाहते हो तो वो भी आप खेल सकते हो, इसमें आपको मल्टीप्लेयर मोड देखने को मिल जाएगा जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन भी प्ले कर सकते हो। अभी देखें गाइस बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है इंटरनेट कनेक्शन के बगैर, आप इसको दोनों मोड में खेल सकते हो, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में खेलने के लिए आपको थोड़ी देर इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जब आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी तभी आप इसको इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ़ कर दीजिएगा, और आपका जो ये गेम है वो इजीली वर्क करता रहेगा। तो गाइज़ कैसे लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ ये गेम एक ऑफलाइन भी गेम है और ऑनलाइन भी गेम है, आप दोनों मोड में इसको खेल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।